हाय, मैं राजीव सर। आज आपके लिए हम डायरेक्शन का चैप्टर लेके आए हैं बाबू। जो परीक्षा रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का पार्ट टू हो या अदर्स एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी यूजफुल होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं डायरेक्शन में कौन कौन सा। तीन टॉपिक हम दो वीडियो बनाएंगे और आज तीन टॉपिक और अगले वीडियो में तीन टॉपिक। उसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन आप कहीं से भी नहीं छूटेगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला होगा एंगल बेस, दूसरा होगा डायरेक्शन चेंज और तीसरा होगा पैटर्न बेस्ड। आज हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी पेशेंस के साथ देखिएगा। पहला हम लोग शुरू करते हैं एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड में ध्यान देना है बाबू, एंगल बेस्ड का कि दो चीज़ हमें ध्यान देना है। पहले तो आपको एक नॉर्मली डाटा समझ लीजिए, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और ये दोनों के बीच में आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट हो जाता है। और बाबू क्या है नॉर्थ वेस्ट है और फिर क्या है साउथ, ये आप जानते हैं। इस पर हम ज़्यादा नहीं बताना है, हम एंगल की बात बताने आए हैं और आराम से समझ रहे हैं बाबू। एंगल बेस्ट बताना क्या है कि एंगल का बात समझिएगा। हम इस डायरेक्शन से जब चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं बाबू? क्लॉक वाइज बोलते हैं। इस साइड से चलते हैं तो इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, और इस साइड से हम अगर ऐसे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। ये चीज़ को ध्यान देना है। क्लॉक वाइज चलते हैं इस टाइम से, मतलब इस दाएँ से बाएँ से, या फिर इसको दाएँ से, इसको दाएँ से कहते हैं और इसको बाएँ से कहते हैं। क्लॉक वाइज तो यहाँ प्लस हो गया और एंटी क्लॉक होगा तो माइनस करना है। इस बात को ध्यान देना है, एंटी क्लॉक होगा तो माइनस और क्लॉक वाइज होगा घड़ी की दिशा में होगा तो क्या प्लस होगा बाबू। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन में क्या आएगा थोड़ा समझना है कि यदि किसी व्यक्ति का चेहरा, ध्यान देना है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर है। किसी व्यक्ति का चेहरा कहाँ पे बाबू? पूरब की ओर है। चेहरा जो है वो पूरब की ओर है। क्या है बाबू? पूरब की ओर है। उसके बाद क्या है, वह 135 डिग्री वह बाएं मुड़ जाता है या 132 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमता है। घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा का मतलब हो गया क्लॉक वाइज। कितना हो गया बाबू? क्लॉक वाइज। फिर होता है घड़ी के विपरीत दिशा में वो 45 डिग्री घूम जाता है। 45 डिग्री घूम जाता है विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉक। क्या हो जाते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। अब बताएं कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। एक नॉर्मल बेसिक समझिए, बोला गया है कि उस व्यक्ति का चेहरा जो है बाबू 135 डिग्री पर क्लॉक वाइज है और घूमता है। फिर एंटी क्लॉक कितना? 135 के बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉक है। अब ऐसा ध्यान देना है कि जब क्लॉक वाइज पूछा जाए, घड़ी की दिशा में पूछा जाए तो प्लस करना है और घड़ी के विपरीत दिशा जाए तो माइनस करना है बाबू। यहाँ पे क्या करना है? ये माइनस हो गया, नहीं नहीं बाबू, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसको नॉर्मली हम घटाएंगे। घटाने पर कितने डिग्री का कोण बनता है बाबू? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम इसको देखते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं बाबू। इसका डायरेक्शन देते क्या है तो यहाँ देखते हैं कि नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, और यहाँ क्या है? वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट और ये है। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। बोला है कि उसका चेहरा पूरब की ओर है तो पूरब है, और पूरब से उसको बोला है घड़ी का दिशा में। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ घड़ी के दिशा में, तो घड़ी में यहाँ से यहाँ हम जानते हैं 45 होता है और यहाँ से यहाँ 45, तो 45 कितना? 90। अब उसका चेहरा किस दिशा में होंगे? तो दक्षिण दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे बाबू? दक्षिण दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे बाबू? तो दक्षिण दिशा में होंगे। अगला क्वेश्चन को आराम से देखिए। क्वेश्चन क्या है? घुमाते जाएगा, घूमने दीजिएगा, कहेगा क्या है? एक व्यक्ति घड़ी के दिशा में 128 डिग्री घड़ी के दिशा में, तो क्लॉक वाइज। फिर बोलेगा कि 54 डिग्री घड़ी क्लॉक वाइज घुमा, और फिर बोलेगा कि 40 डिग्री वो एंटी क्लॉक घुमा। ऐसा कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। जहाँ क्लॉक वाइज होगा तो उसको क्या करना है बाबू? प्लस कर लेना है, और एंटी क्लॉक होगा तो उसको क्या करना है? माइनस कर लेना है। क्लॉक वाइज होगा तो प्लस। अब इसको ध्यान देना है बाबू। अब यहाँ पे क्या है? क्लॉक है तो प्लस, ये भी क्लॉक है तो प्लस, और एंटी क्लॉक है तो क्या? माइनस। क्लॉक है तो प्लस और एंटी क्लॉक है तो क्या? माइनस कर देना है। अब ये दोनों को आराम से जोड़ देना है, तो यहाँ 12 हो गया, और फिर 7 × 8 हो गया 182, और माइनस कितना? 40। अब इसको घटाइए तो ये कितने डिग्री का हुआ? 42 डिग्री का। कितने डिग्री का हुआ? 42 डिग्री।
लेकिन 42 डिग्री प्लस में आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? प्लस में आ रहा है। लेकिन इसका चेहरा अगर बोलता कि दक्षिण दिशा में, किस दिशा में होता? इसका चेहरा जो है दक्षिण दिशा में होता। किस दिशा में होता बाबू? दक्षिण दिशा में। अब उसका पूछेगा कि अब वर्तमान में क्या है, तो 42 डिग्री प्लस का चिन्ह दिया है बाबू, तो हम क्या करें, घड़ी की दिशा में ही जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में यहाँ दक्षिण है, तो 42 का मतलब ये होता है दोनों के बीच में कितना, ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि 45 डिग्री का कोण बनता है तो इसके आसपास में बनेगा। तो इसको हम कर सकते हैं, उसका चेहरा किस टाइप में होगा, यहाँ पे आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण और क्या, पश्चिम के बीच में। इसका चेहरा कैसा होगा, दक्षिण और क्या है, पश्चिम के बीच में होगा। इसका चेहरा कैसे होगा बाबू, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा, दक्षिण और क्या, पश्चिम के बीच में होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, तो आसान ध्यान देना है कि अगर बोलेगा उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण पूरब है, क्या बाबू है, दक्षिण पूरब है, चेहरा जो है उसका दक्षिण पूरब पे है। कैसा है बाबू, दक्षिण पूरब पे है। अब उसका हम बोलेंगे कि वह 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री भी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बोलेगा कि 135 डिग्री का क्लॉकवाइज, और फिर आपसे पूछेगा कि 80 डिग्री, या बोलेगा बाबू कि 20 डिग्री क्या है, या इतना ही पूछेगा, बोलेगा क्या 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछेगा कि अभी वो किस दिशा में जाए, इसको नहीं एंटी क्लॉक कर दो, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉक हो गया। अब ध्यान देना है क्या, हमने बताया है कि जो घड़ी की दिशा में जाएगा तो प्लस, तो घड़ी की दिशा में जाए तो प्लस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और फिर ये आ गया क्या माइनस, और ये हो गया क्या प्लस। अब यहाँ देखो प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 135, और यहाँ प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कैंसिल, आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 45 डिग्री क्या माइनस में, 45 डिग्री क्या बचा बाबू माइनस में, माइनस का मतलब हो गया एंटी क्लॉक, कैसे क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब इसको ध्यान से देख रहे हैं बाबू, अब इसका चेहरा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और क्या वेस्ट। अब इसमें कितना डिग्री बचा बाबू, 45 डिग्री, लेकिन माइनस में चीन है। अब इसका चेहरा बता है कि दक्षिण, यहाँ आ गया दक्षिण पूरब, इसका चेहरा भी यहाँ पे है, दक्षिण और पूरब के बीच में है। अब इसका बोला है कितने डिग्री, 45, तो माइनस का, तो हमने बताया कि ऐसे चलेंगे तो घड़ी की दिशा में, दाहिने साइड से चलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ 45 का होगा, इसका मतलब इसका चेहरा कैसे है, पूरब की ओर। अभी उसका चेहरा कहाँ पे है, पूरब की ओर है, उसका चेहरा कहाँ पे है, पूरब की ओर है। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में होंगे तो ज़रूर बोलिएगा, अगले फिर समझाएंगे, क्लियर कर देंगे बाबू। अब आते हैं दूसरा, हम आते हैं पैटर्न पे आधारित, पैटर्न पे आधारित होता है बाबू, पैटर्न पे आधारित, पैटर्न पे आधारित तो समझना है पहले, इससे पहले समझ लीजिए, पहले पैटर्न से पहले कि जब भी 180 डिग्री होगा तो समझिए का विपरीत, 180 डिग्री होगा तो क्या विपरीत, ध्यान देना, 180 डिग्री होगा तो विपरीत, 0 डिग्री हो गया तो जहाँ कहाँ कहाँ, जहाँ था वहीं पे, और 360 में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0 डिग्री और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। 180 डिग्री आ गया बाबू तो उसमें क्या है विपरीत, 0 डिग्री आ गया तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं, और 360 में भी कोई परिवर्तन नहीं। अब आते हैं पैटर्न पर, अब ध्यान देना है बाबू, बोलेगा किसी व्यक्ति का चेहरा, ध्यान देना है किसी व्यक्ति का चेहरा, पैटर्न पर आधारित है बाबू, इस पर किसी व्यक्ति का चेहरा मान लो उत्तर दिशा में है, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, अब उत्तर दिशा में है, और बोला कि बाएं लेफ्ट 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं 7 किलोमीटर चला, और फिर दाएं 6 किलोमीटर चला, तो बताए कि अभी उसकी चेहरा किस दिशा की ओर होगा, ध्यान देना अभी उसकी चेहरा किस दिशा की ओर होगा, उस बात को गौर करना है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा बाबू। तो ध्यान देना क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, जब आपसे डायरेक्शन पूछे, मतलब दिशा पूछे, क्या पूछे बाबू, दिशा पूछे, तो ध्यान देना है दाएं बाएं काटिएगा, बाएं
दाएं कैंसिल, बाएं, दाएं कैंसिल, मतलब इसका क्या आएगा सोल्यूशन? जीरो। इसका मतलब चेहरा उसका किस तरह होगा? तो उत्तर दिशा में होगा। उसका चेहरा किस दिशा में होगा बाबू? तो उत्तर दिशा में होगा। क्लियर है? उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो उत्तर दिशा में होगा। क्लियर है? अगला इसमें दिखना है फिर से, अगर उस व्यक्ति का चेहरा बाबू, अगर उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान देना है, अगर दक्षिण दिशा में है, फिर बोलेगा कि बाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं 6 किलोमीटर, फिर बाएं 5 किलोमीटर। अब उसका बोलेगा कि अब उसका चेहरा किस ओर है, तो क्या है? कुछ नहीं करना है, बाएं दाएं कैंसिल हो गया। बाएं दाएं क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और कैंसिल करने के बाद बाएं आया, अब उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण का मतलब इधर है, और इधर से हमको बाएं जाना है, तो दाएं इधर और बाएं इधर हो गया। अब उसका चेहरा किस इधर आ जाएगा? तो पूरब दिशा में आ जाएगा। कैसे हो जाएगा बाबू? तो पूरब दिशा में हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? पूरब दिशा में होगा। एक थोड़ा सा और समझिए, उसके बाद ध्यान देना बाबू। बोले किसी व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर है, किस तरफ है? पूरब की ओर है। फिर बाएं गया 5 किलोमीटर, कुछ भी लिख दीजिए, फिर बाएं गया 7 किलोमीटर, फिर दाएं गया 5 किलोमीटर, और फिर बाएं गया 6 किलोमीटर। तो आपसे पूछा कि किस दिशा में है, तो ध्यान देना है बाबू कि जब भी बाएं दाएं घूमता है तो 90 डिग्री का घूमता है। जब भी बाएं दाएं घूमता है बाबू तो कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का घूमता है। जैसे यहाँ से यहाँ घूमा तो कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का हुआ। अब एक बाएं दाएं 90 डिग्री का, देखो दाएं बाएं कैंसिल, अब दो को बाएं बच गया, दो बाएं का मतलब हो गया दो बार, तो 2 × 90 मतलब कितना बाबू? 180। और 180 का मतलब उल्टा, 180 का मतलब कितना? उल्टा डिग्री, मतलब 180 डिग्री का मतलब क्या है बाबू? उल्टा हो जाएगा। 180 का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 180 का मतलब क्या आ जाएगा? विपरीत आ जाएगा। और 180 का विपरीत हो जाएगा बाबू, ध्यान देना है, यहाँ पे पूरब था, तो पूरब का क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। पूरब का क्या हो जाएगा बाबू? पश्चिम हो जाएगा। पूरब का क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए बाबू। अगर बोलेगा किसी व्यक्ति का चेहरा चेहरा उत्तर है, और इसमें दे देगा दाएं, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, या कभी बोले कि केवल दाएं घूमते गए, क्या घूमा? 4 बार दाएं घूमा। क्या बार घूमा? दाएं। और इस बार किलोमीटर दे देगा बाबू कि 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो और 9 किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा बाबू, उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो ध्यान देना है कै गो राइट है, तो 4 राइट है, मतलब कै गो राइट है, तो 4 × 90 बराबर कितना? 360। 4 × 90 मतलब 360, और 360 का मतलब जस्ट पर जस्ट उसका चेहरा भी कैसे होगा? तो उत्तर की ओर होगा। उसका चेहरा कैसे होगा बाबू? तो उत्तर की ओर होगा। अब आते हैं एंगल चेंज, नहीं डायरेक्शन चेंज पर भाई। तीसरा पैटर्न, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि डायरेक्शन चेंज क्या बाबू? डायरेक्शन चेंज पे हम समझते हैं कि डायरेक्शन चेंज पे करना क्या होता है। डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन जो होता है बाबू उसको समझना है। अब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे इस तरह का डायरेक्शन बना देगा, कहेगा क्या? उत्तर पूरब को पूरब कहा गया, ध्यान देना है, उत्तर पूरब को क्या कहा गया? पूरब कहा गया। फिर बोलेगा बाबू कि उत्तर पूरब को क्या कहा गया? पूरब कहा गया। फिर बोल देगा क्या? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा गया? दक्षिण कहा गया। और आगे भी इसी तरह का परिवर्तन क्या रहे? जारी रहे। आगे भी इसी तरह का परिवर्तन क्या रहे? जारी रहे। इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अगले कुछ काम कर दिया इसलिए रहने देते हैं। अगले वीडियो अगर लाइक पसंद कीजिए तो मज़ा आएगा हमें पढ़ाने में। ठीक है, खूब खुश रहिए, एनर्जी।